हेलो हेलो कबड्डी। अरे पड़ोसी आइलैंड वालों, कोई है वहां पे? बहन नमस्कार दोस्तों, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। काफी लोग अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई स्किल सीख रहे हैं। कोई ऑनलाइन गिटार क्लासेस ले रहा है, कोई पॉडकास्ट बना रहा है, तो कोई एसक्यूएल सीख रहा है। तो हमने सोचा हम भी कुछ कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में काफी ट्रैवल किया है, तो सोचा क्यों ना ट्रैवल वीलॉग्स पे हाथ आजमाया जाए। मेरा नाम है गौरव शर्मा और सोशल मीडिया की दुनिया में लोग मुझे वॉन्डर डा के नाम से जानते हैं। ये यूजर नेम मैं 2014 से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 25 साल की उम्र में आपको लगता है ये सब कूल है। और मेरा नाम तो बिल्कुल कूल नहीं है। खैर, उस समय मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी था, ऑफ कोर्स थाईलैंड। और वो टाइम था जब लोग इंस्टाग्राम पे ट्रैवल पिक्स डालते थे मार्क ट्वेन के डीप कोट के साथ। तभी से ट्रैवल का सिलसिला चला आ रहा है। शुक्रगुजार हूं मैं उन वेंचर कैपिटलिस्ट का जिन्होंने स्टार्टअप्स को पेल के फंडिंग दी और हम जैसे लौंडों को कम उम्र में ही 30% टैक्स ब्रैकेट में ला दिया। और उस वजह से आज 4 कॉन्टिनेंट्स की जमीन पर हमने अपने पांव रख दिए। तो पॉइंट पे आते हैं। पिछले साल की बात है, मैंने डिड नॉट क्विट माई जॉब टू ट्रैवल द वर्ल्ड बिकॉज वो तो बहुत मेन स्ट्रीम है। इंस्टेड मैंने एक सबैटिकल लिया, मैं साउथ अमेरिका चला गया। वहां पे मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी और कुछ 25,000 किलोमीटर बाइक पे पूरा कॉन्टिनेंट नाप दिया। तो इस एपिसोड में हम इसी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे शुरुआत हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सिनेमेटिक फुटेज दे देते हैं, क्योंकि पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, कुछ तो करना है उसका, कहीं तो दिखाना है। कहानी शुरू होती है जनवरी 22, 2019 को, जब हमने 7 महीने के लिए अपनी सरजमी को अलविदा कहते हुए दिल्ली से लंदन से न्यूयॉर्क से लीमा से सैंटियागो एक बहुत लंबा सफर शुरू किया। लंदन में ले हुआ था 3 घंटे का। मन तो किया इंग्लिश ब्रेकफास्ट पहन लें, पर जिनके पास हमारा कोई नूर है वहां पे एक और पैसा देना तो नहीं बनता था। तो हमने उठाया सिर्फ एक अखबार जो था मुफ्त, और हमें पता चला कि ब्रेक्सिट के बाद वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इंग्लैंड के पास कुछ खास न्यूज नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, द सन में आपका स्वागत है और आज हम आपको पेश करेंगे लंदन की न्यूज। हमारे साथ जुड़े आज हमारे लंदन के संवाददाता आशुतोष पाठक जी, जो है तो फरीदाबाद से, बट 10 साल पहले वो लंदन गए थे ऑफसाइट पे, आज तक वापस नहीं आए हैं। तो सीधा चलते हैं हम आशुतोष पाठक जी के पास। आशुतोष, ए आशुतोष। ओह हेलो देयर गौरव। हाँ हाँ, आ रही आवाज आ रही है। इंडीड इंडीड, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। अरे पूरा एक्सेंट पकड़ लियो। यस। हाँ, शुरू शुरू करते हैं, न्यूज शुरू करते हैं। तो ये तो सन टीवी की फ्रंट पेज न्यूज है। एंड फॉर हेडलाइंस गौरव, वी हैव अ पेजेंट रकर इन एन अनप्लेजेंट फेजेंट प्लकर। ट्राई सेइंग दैट इन हिंदी। बेसिकली रॉयल फैमिली का कुत्ते घुमाने वाला आदमी कुत्तों के साथ बीच सड़क पे खड़ा था। सामने से एक गाड़ी आती है, वो उस गाड़ी वाले को रोक के बोलता है, माइंड माई डॉग्स यू फकिंग पेजेंट। जिस पे गाड़ी वाला उसे रिप्लाई करता है, I am now fucking peasant। फिर वो उस गाड़ी वाले को गाड़ी से उतारता है और उसका सर खोल देता है। बाकी न्यूज़ भी कुछ इसी प्रकार की है। गाड़ी ड्राइव करते हुए शेव करता आदमी। The gray-haired man was later seen sucking a pen while in the fast lane। DJ भाई ने मोबाइल यूज करना बंद कर दिया है। Virgin DJ Chris is now a celibate। I wonder why। Ah। His hands are busy elsewhere। पुलिस वाले ने जान पे खेल के बचाया चूहे को, गर्लफ्रेंड की बहन के साथ एंजॉय होते होते रह गया। और पति पत्नी और वो का ब्रिटिश वर्जन। खैर, 3 घंटे में ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश का जॉनर ही मोंटी पाइथन है। मोंटी पाइथन।
फिर हमने लिए वहां से एक और 8.5 घंटे की फ्लाइट न्यूयॉर्क के लिए। हालांकि अमेरिका जाने का कोई प्लान तो नहीं था, मगर हमारे इतने गुज्जू दोस्तों का वीजा रिजेक्ट हुआ है तो हमें सोचा कि बाहर जाके माहौल तो देख ही आते हैं। लेवर था 12 घंटे का, मकसद थे 4, टाइम स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, लेंस खरीदना और खाना हैमबर्गर। सबसे पहले हमने ली स्पाइडरमैन वाली ट्रेन और पहुंचे शेक शैक और वहां पे खाया हमने लाइफ का सबसे बढ़िया हैमबर्गर। फिर देखा ब्रुकलिन पे सनसेट, ठंड से फटी हुई थी फिर भी पैदल ही पहुंच गए टाइम स्क्वायर। वहां पे डांस इंडिया डांस टाइप लौंडे कूद फांद रहे थे। कैमरे की दुकान पे पहुंचे तो वहां 7:15 बजे दुकान बंद, पता नहीं काहे की डेवलप्ड कंट्री है। और आखिर में मैकडॉनल्ड्स बिग मैक मिल दिया जो था बहुत ही झाटू, मगर $40 में आधा दिन न्यूयॉर्क घूमना कोई खराब डील नहीं है। फिर वहां से लिए हमने एक और फ्लाइट और पहुंच के लीमा। लीमा में 1.5 घंटे का लेवर था, बाहर जाना अलाउड नहीं था, मगर फिर भी हम चुपके से निकल गए। वहां पे हमें फिर से दिखा मैकडॉनल्ड्स, सोचा नया कॉन्टिनेंट है, नया हेमिस्फीयर है, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ट्राई कर लेते हैं, और वो निकला न्यूयॉर्क से भी झाटू। खैर उसके बाद 5 घंटे की आखिरी उड़ान भरी हमने और हम पहुंच गए सैंटियागो। दिल्ली से लंदन से न्यूयॉर्क से लीमा, 6 महीने का ट्रिप बिना किसी बीमा, हैमबर्गर और टैकोस, फर्जी खाना पीना, भाई तुम्हें सिखाएगा बेटे लाइफ कैसे जीना। बेटे लाइफ कैसे जीना। अगर आप ICSE बोर्ड से नहीं है या इन जनरल आपकी ज्योग्राफी खराब है तो मैं आपको बता दूं कि सैंटियागो चिली की कैपिटल है, एक बहुत ही खूबसूरत शहर। इसके एक तरफ है पहाड़ और दूसरी तरफ सिर्फ 1 घंटा दूर है समुन्दर, और शहर के एकदम बीच से जाती है मापुचा रिवर। इसके अलावा यहाँ पे आपको हिस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण मिलेगा। खैर ये सब तो हम करने आए नहीं थे यहाँ पे, हमारा मकसद था सिर्फ एक, मोटरसाइकिल खरीदना। चिली में 2018 में एक नया रूल आया था कि आप चिली की मोटरसाइकिल चिली से बाहर नहीं ले जा सकते, तो बेसिकली मुझे चिली में किसी और कंट्री की मोटरसाइकिल खरीदनी थी जो था बहुत ही मुश्किल। मगर जैसा कि श्री श्री अजय देवगन ने कहा है कि फरिश्ते चल के नहीं आते, मोटरसाइकिल पर आते हैं, और इसी तरह एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया एलिजा। एलिजा कोलंबिया से चिली रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे आ रहा था और अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता था, और फिर एक नॉन नेगोशिएबल $2,500 के कॉन्ट्रैक्ट में हमारी डील क्लोज हो गई। हाय, मेरा नाम है एलिजा और मैं अमेरिका से हूँ। मैं अपनी मोटरसाइकिल शर्मा जी को देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई और इस बाइक की गांड मार सकता है। खैर एलिजा वहां से चला गया म्यांमार के किसी गांव में इंग्लिश पढ़ाने, और मेरे पास आ गई एक बुल्ट। क्या इत्तफाक है ना कि अपने घर से पूरा एक अर्थ डायमीटर दूर आप अपने देश की मिट्टी से बने हुई मोटरसाइकिल चला रहे हो। मोटरसाइकिल मिट्टी से बनती है? तो राइड शुरू करने से पहले मैंने अपनी मोटरसाइकिल सर्विस के लिए दे दी और मैं चला गया सैंटियागो से बहुत दूर ईस्टर आइलैंड पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा तो फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। बाकी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना आपका चॉइस है, जैसा कि नेहा धुपिया ने कहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।